ग्राउंड जीरो पर हमारे सहयोगी राहुल प्रकाश हमारे साथ बने हुए। राहुल, अभी क्या अपडेट है, आज क्या खबर है वहां से? देखिए, जो हम इंतज़ार कर रहे थे कि जो मशीन्स हैं जो अंदर टनल में पहुंची हैं, जो ऑगर मशीन के उस हिस्सों को बाहर निकाल के लाएगी, वो लगभग 18 मीटर, अगर हम मीटर में भी न जाएं तो समझें कि जब हम बताते हैं कि कुछ ही देर बाद तो वो मीटर कम हो जाते हैं, यानी जल्द ही वो मशीनें बाहर आएंगी। लेकिन मैनुअल ड्रिलिंग के लिए जो हम बात कर रहे थे, उसका काम इसी टनल में शुरू हो चुका है। यानी कहा जाए कि उस तमाम इक्विपमेंट के साथ तमाम जो मजदूर हैं वो पहुँचे हैं, क्योंकि जो ड्रिलिंग होगी मैनुअली उसमें वो तमाम साजो सामान होगा जो हाथ से, यानी जो मशीन होती है, जैसे अगर हम कोई दीवार पर ड्रिल करते हैं तो वो छोटे छोटे हिस्सों को, पर्टिकुलर 10 टीमें ऐसी बनाई गई हैं जो ड्रिल करके मलबे को बाहर निकालेगी, उनकी व्यवस्थाएँ भी सारी यहाँ की गई हैं। और कहा जा रहा है कि उसमें जितना तय वक्त लग सकता है, क्योंकि साजो सामान हो, इक्विपमेंट्स हो, सबकी व्यवस्थाओं के साथ उनको तेज़ी से बाहर निकाला जाएगा। दूसरी बात, आप इस टनल के ऊपर अगर आप देखें, जो वर्टिकल ड्रिल की हम बात कर रहे थे, जो टेस्टिंग हुई है वो 8 सेंटीमीटर या 35 मीटर की बात जो हम कर रहे हैं वो हो चुका है। और ये जो आप टनल के ऊपरी हिस्से में देख रहे हैं, इसके ठीक पीछे, ये करीबन हम मीटर में बोलें या 1 किलोमीटर के दायरे के बाहर बोलें, वहाँ ये पूरा सेटअप है, जो विजुअल्स में आप देखे भी होंगे कि किस तरीके से जो पाइलिंग मशीन से जो हम टेस्टिंग की है वो, और जो ड्रिल, अब तक उसमें कोई भी खराबी नहीं आई है। उम्मीद ये कर रहे हैं कि जो उम्मीदों का एक कहा जा रहा है कि हम उम्मीद पे ही टिके थे और कुछ ना कुछ नया जानने की सोच रहे थे, कुछ अच्छी खुशखबरी मिले, तो अब उम्मीद कर सकते हैं कि किसी चीज़ की कोई ऐसी परेशानी ना हो। ये जो तमाम इक्विपमेंट्स देख रहे हैं बड़े बड़े गार्टर के साथ, ये तमाम अंदर जाएंगे कि एक रास्ता, एक केव के जरिए उनको निकालने की बात, क्योंकि तमाम मशीनों के साथ साथ इनका भी एक अहम योगदान है। तमाम जो अधिकारी हैं, या कहे जाएं कि तमाम जो टेक्निकल टीमें हैं, वो लगातार इस पर वर्क कर रही हैं इसी के लिए, क्योंकि किसी तरीके की खामी ना आए। हमने पिछले 14वें दिन में जो खराबी देखी मशीन, क्योंकि ऑगर मशीन भी बाहर से मंगाई गई थी, उम्मीद की जा रही थी कि वो भी कुछ करेगी, लेकिन अब जिस तरीके की वो भी खराबी आई, तो उसके लिए प्लाज्मा कटर आया, लेज़र कटर के जरिए उनको लाया गया। तो यानी दुरुस्तता के लिए जल्दबाजी ना हो, और व्यवस्थाओं के बीच में तमाम चीज़ें यहाँ हैं ताकि हम अच्छे रिजल्ट पे, खुशखबरी के लिए, या उन 41 जिंदगियों को जिनका इंतज़ार हम या सब कर रहे हैं, वो बाहर आ सके। तो अभी की तस्वीर यही है कि तमाम काम शुरू हो चुका है, समय कितना लगेगा ये साफ नहीं है, लेकिन उम्मीद कर रहे हैं जल्दी करें, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि जल्दी आए। दूसरा, मजदूर जो 41 अंदर हैं, उनके हौसले बढ़ाने के लिए तमाम उनको खाने पीने के साथ साथ, राहुल अगला सवाल मेरा यही था, अंदर भिजवाए गए। राहुल, अगला सवाल मेरा यही था, जो सेटअप है वो भेजा जाएगा। अभी तक जो तस्वीरें आ रही हैं वो टनल के बाहर की आ रही हैं, और जितनी चर्चा हो रही है वो मशीन को लेकर हो रही है, कौन सी मशीन आई, कौन से, कितने दिन लगेगा, कितने मीटर पहुंचे, लेकिन अंदर जो 41 मजदूर फंसे हुए हैं, मनोवैज्ञानिक तौर पर उनका हाल क्या है, वो किस हाल में है, अंदर से क्या खबरें आ रही हैं, क्योंकि 41 मजदूर हैं, क्या सभी के सभी ठीक हैं, खाना सही से पहुंच रहा है, उनकी तबीयत कैसी है, और वो कितने मजबूत हैं, इसको लेकर क्या अपडेट है? देखिए, जो यहाँ के तमाम अधिकारी हैं, जो अंदर अगर हम टनल की बात करें, जो लगातार उनसे जुड़े हैं, जो उनसे वार्तालाप कर रहे हैं या उनसे कम्युनिकेशन कर रहे हैं, उनका कहना है कि वो पूरी तरीके से प्रोटीन डाइट उनको दिया जा रहा है, ड्राई फ्रूट्स उनको दिए गए थे, तमाम चीज़ें उनको दी जाती हैं जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से है। उसके बाद जो उनसे बातचीत का दौर होता है, जैसे कल मुख्यमंत्री यहाँ पहुँचे थे तो उन्होंने उनसे बातचीत करी थी, उनका हौसला बढ़ाया था। हालाँकि जिस तरीके से खाना पीना बातचीत का दौर है, उन पर पूरा उनका हौसला बढ़ाने के लिए, और ये भी मैं एक चीज़ बता दूँ, जिस तरीके से उन्होंने कार्ड्स की भी मांग की थी, जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं कि आप हमें अंदर भेजिए, हालांकि वो नहीं भेजे, लूडो जो गेम्स होते हैं उसको भेजा है, मोबाइल फ़ोन भेजने का जरिया ये है कि व्यस्तता उनको, उनका मॉरल डाउन ना हो, वो भेजा, और वाईफाई कनेक्शन जिसकी हम बात कर रहे हैं, ताकि वो टेलीफोनिक जुड़े और ताकि बात हो पाए। हालांकि वो क्या दायरा होगा उसका भी साफ नहीं है, लेकिन ये जरूर है उन व्यवस्थाओं के बीच में, उन तमाम चीज़ों के बीच में उनका हौसला कम ना हो, उनको बढ़ाने के लिए तमाम कवायद की जा रही है। ये अलग पार्ट है कि हम उनको देख नहीं पा रहे, जब उनका एक वीडियो आया था हमने देखा था, जिस तरीके से उन्होंने अपनी प्रेजेंस दी, अपने बारे में बताया, मुख्यमंत्री ने जब उनसे बात की तो उन्होंने भी अपनी बात रखी, यानी हौसला कम ना हो, हौसला बिल्कुल कम ना हो, इसलिए भी ताकि जो काम करने वाले हैं, जो लगातार इतने दिन से मेहनत कर रहे हैं, तमाम जितने भी आप देख रहे हैं वो डे वन से यहाँ पर है, और अंदर जो फंसे हैं उनकी क्या स्थिति रही होगी ये भी हम जानते हैं, लेकिन उनका हौसला बढ़ाने के लिए ही तमाम सब हम, आप लोग यहाँ मौजूद हैं, और हम देश के जो लोग जानना भी चाहते हैं कि कब वो बाहर आएंगे, उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द ही वो बाहर आएंगे, क्योंकि
कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो टनल से उन रास्तों को खोलने के लिए, खंगालने के लिए, यानी कहा जाए उनको बाहर निकालने के लिए कमी छोड़ रही हो। हर कोई यहाँ उम्मीद के साथ है और कोशिश यही है, क्योंकि ये तमाम जो साजो सामान, अधिकारी, पुलिसकर्मी, NDRF, SDRF या जो भी आप देख रहे हैं, अगर आप ऊपर से दाएँ बाएँ, आपको तमाम वो लोग नज़र आएंगे जो उस ग्राउंड पर उस मेहनत के लिए कि वो जल्द से जल्द बाहर आएँ, ये सबके लिए ज़रूरी है। क्योंकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर मोदी भी इस पर नज़र बनाए हुए हैं, लगातार अपडेट ले रहे हैं, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि कितना दिन हो गए हैं, क्या हो रहा है। तो जो चीज़ें हुई हैं और जो चीज़ होने वाली है, यानी जो हम कह रहे हैं कि जल्द बाहर आएंगे, तो उसी उम्मीद पर हैं। और ये लगातार VVIP दौरे यहाँ पर हैं, जिस तरीके से जनरल VK सिंह यहाँ पहुँचे हैं, तमाम जो अधिकारी हैं, मिलिट्री जो टीम है वो काम कर रही है, BRO है, NDRF है, SDRF है, उत्तराखंड पुलिस है, यानी तमाम ITBP के जवान भी हैं, तमाम वो लोग हैं जो यहाँ मौजूद हैं। यानी हर कोई स्थिति उस स्थिति में है कि वो जल्दी बाहर निकले, सकुशल उन्हें रेस्क्यू करा के अस्पताल ले जाएं, अगर उनको कोई ज़रूरत पड़ती है तो एयर एम्बुलेंस के जरिए ऋषिकेश एम्स वहाँ ले जाया जाएगा। यानी हर तरीके की व्यवस्था है, यहाँ पे भी आप डॉक्टरी कैंप देख सकते हैं, यहाँ पे भी एक हॉस्पिटल बनाया गया है, यानी हर तरीके की व्यवस्था है। लेकिन उनके लिए उनका हौसला बना रहे, वो भी सारी चीज़ें यहाँ मॉनिटर हो रही हैं, देखरेख हो रही हैं, और कहा जाए कि एक अच्छे माहौल में एक अच्छी चीज़, अच्छी खुशखबरी देने के लिए तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। जी राहुल, लेकिन एक क्योंकि हम लगातार अभी मौजूदा वक्त की रेस्क्यू टीम है वहाँ पहुँचू, एम्बुलेंस वहाँ मौजूद हैं, ये हादसा हुआ कैसे? एक जहन में ये भी सवाल है, क्योंकि अभी बहुत सारी टनल बन रही, अभी मैं हिमाचल प्रदेश गया था तो वहाँ एक साथ 3 से 4 टनल अभी नहीं बनी और किसी तरह से कोई हादसा वहाँ पर नहीं हुआ। यहाँ भी एक टनल बन रही थी, हमें देश के इंजीनियरों पे भरोसा है, टेक्नोलॉजी पे भरोसा है, लेकिन जब कोई हादसा होता है तो रेस्क्यू के लिए कोई फौरन एक प्लान होता है, क्योंकि इस रेस्क्यू ऑपरेशन में इतना लंबा वक्त चला गया है, अब 15 दिन हो गए हैं और आगे कितने दिन लगे अभी पता नहीं है। तो जो रेस्क्यू को लेकर प्लान किया गया था कि ऐसा किसी हादसा टनल में हो जाता है तो उनको कितने जल्दी बचाया जाए, वो कैसे फेल हो गया, वो सिस्टम कैसे फेल हो गया? देखिए, प्राकृतिक आपदाएं आपने और हमने कवर की हैं, इससे पहले भी कई ऐसी आपदाएं, जहां टनल की बात करें कि अगर कोई बनती है तो छोटी मोटी घटनाएं होती हैं और अक्सर इसको दुरुस्त भी किया जाता है, लेकिन जो प्राकृतिक चीज़ें होती हैं उसको आप ये तय नहीं कर सकते वो कब होगा। और इस टनल में शायद जिस तरीके से कहा जा रहा है कि टनल में काम चल रहा था, एकाएक मलबे का हिस्सा जो पूरा नीचे आया, जो कहा जाए कि 57 मीटर के दायरे तक रहा, जिसमें 41 जिंदगियाँ थी। और हालांकि रेस्क्यू के प्लान जो हम बात कर रहे हैं, रेस्क्यू के प्लान तय होते हैं, क्योंकि अगर कोई भी प्रोजेक्ट होता है उसके तहत तमाम जिम्मेदारियों के साथ तमाम चीज़ें होती हैं, क्योंकि जिस वक्त ये हुआ उस वक्त भी यहाँ टीमें मौजूद थी। जिस तरीके से वेरी नेक्स्ट डे, समय की कमी है राहुल, समय की कमी है, दोबारा लौटेंगे आपके पास अपडेट के लिए, एक छोटा सा ब्रेक लेने, फौरन हाजिर होंगे, देखते रहिए न्यूज 24।